हे देयर 1 लाख फॉर 1 आवर. आई सेड पर मीट आई कैन बी लाइक 2 to 3 lakhs. आज की जो वीडियो है ये एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है. मेरे फीड पे बहुत ज्यादा इस टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं, जिनमें से मैं एक बंदे से इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, जो कि बोल रहे हैं कि वो शुगर डैडी हैं. अब मुझे नहीं पता वो पर्सन शुगर डैडी है या नहीं है, बट वो मेरा शुगर डैडी बनना जरूर चाहते हैं. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ रिसर्च की जाएगी कि एक्चुअल में शुगर डैडी है क्या. हम लोगों ने इस टाइप की बहुत रील्स देखी हैं, शॉर्ट्स देखे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, स्पॉट्स लाइट देखी है. इस टाइप का स्टफ हमने बहुत इंटरनेट पर देखा है. लोगों को शुगर डैडीज चाहिए होते हैं. शुगर डैडीज का हमने बस इतना देखा है कि एक रिच ओल्डर गाय होता है जिसके साथ एक यंग गर्ल होती है, बट एक्चुअल में शुगर डैडी चीज है क्या. लेट्स सर्च ऑन गूगल. सबसे पहले डाल रही हूँ व्हाट इज अ शुगर डैडी. शुगर डैडी का मतलब है ए रिच ओल्डर मैन हु लैविशेस गिफ्ट ऑन अ यंगर वुमन इन रिटर्न ऑफ हर कंपनी और सेक्सुअल फेवर्स. सो ये शुगर डैडी की चीजें अभी कुछ सालों से आने ज्यादा लगी हैं, बट ये एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हुआ इसका पता लगाते हैं. अकॉर्डिंग टू गूगल ये चीज स्टार्ट हुई है 19th century से, और इसको स्टार्ट किया था अडोल्फ स्पेकल्स ने, जो कि ऐ थे स्पेकल्स शुगर फॉर्च्यून के. उन्होंने एक यंगर वुमन से शादी करी थी और उनके वो कहलाए थे शुगर डैडी. तो यहाँ से ये चीजें स्टार्ट हुई है, पर उन्होंने शादी की थी. जो अभी हम चीजें देखते हैं उसमें शुगर डैडी रिलेशनशिप में मैरिज नहीं है आई गेस. ओके आई डोंट नो, मैं इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ. हमें पता चल गया व्हाट इज शुगर डैडी और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ. आई नो बहुत लड़के आजकल इस चीज से फैसिनेट हो चुकी हैं कि उन्हें कोई शुगर डैडी मिल जाए, उनके एक्सपेंसिव उठा सके और लग्जरी स्टफ दिला सके. शुगर डेटिंग इज नॉट फेरी टेल. आपको लगता है कि आप रील्स पे देखते हो कि हाँ कोई ओल्डर गाय मिल जाए, वो मुझसे प्यार करने लगेगा, मुझे लग्जरी लाइफ मिल जाएगी. इट्स नॉट लाइक दैट. According to this site, sugar dating can involve scenarios with harassment, sexual assault, and manipulation of financial agreement to coerce unwanted sexual action, also known as rape. आई डोंट नो लोग इस चीज से इतना फैसिनेट क्यों है. मैं बस जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल में शुगर डेटिंग और शुगर बेबी शुगर डैडी के बारे में सामने वाले क्या सोचता है जो लोगों को मैसेज कर देता है, डू यू वॉन्ट अ शुगर डैडी, डू यू वॉन्ट अ शुगर बेबी, व्हाटएवर. ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा मैसेज करता है, मेरे हर एक पोस्ट पे मुझे इसका मैसेज आता है, डू यू वॉन्ट शुगर डैडी, डीएम मी एंड फलाना एंड ठिकाना. मैंने इससे बात की है तो उसकी क्लिप आप देख सकते हो. फिर से डू यू नीड शुगर डैडी, डू यू नीड शुगर डैडी, अरे भैया नहीं चाहिए. एंड दिस गाय सेंड मी दिस Sugar Daddy 35353. Hey, just wanna know your view on Sugar Daddy stuff. Offer in 6 lakhs per month. This is Snapchat guys and I guess he probably know कि मैं screen record करने वाली हूँ. I don't know. मेरे को Snapchat इतना अच्छे से चलाना नहीं आता, फिर भी मैं कर रही हूँ. He commenting on my every post. Hey, there 1 lakh for 1 hour. Hey Bharti. Uff, Bharti. Check DM if you need Sugar Daddy. चेक डीएम 50k for hour इन एनी ऑफ योर फेवरेट प्लेस एंड एक्सपेंसिव टू जैसे भी यू नीड. भारती एटलीस्ट रिप्लाई, डू यू नीड शुगर डैडी. उफ हे देर चेक डीएम, हे देर चेक डीएम, भारती चेक डीएम, भारती चेक योर डीएम एंड रिप्लाई. ओके मैं इसको ऐड कर रही हूँ, मुझे बहुत बकवास लग रहा है पर मैं इसको ऐड करने वाली हूँ. मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, मैंने उसको हे लिखा है. मैं यही कह रही थी कि मुझे पता है इनको पता चल जाएगा. वट ऑल यू नीड इन अ शुगर डैडी स्टाफ, डेजल मी ज्यादा हो जाएगा. ओके मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं मैं इसको. यार कभी मैंने किसी लड़के से बात नहीं की नितिन के अलावा, मतलब बात की है बट इन दिस सेंस नहीं की. आई हैव बीन शुगर डैडी टू वन गर्ल, ही सेंड मी सम वीडियो. गाइज मुझे लगता है मुझे इससे 2 दिन बात करनी पड़ेगी. इसने मुझसे क्वेश्चन, ओह नो मेरा कैमरा जाने वाला है. इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है मेरे फेवरेट ब्रांड्स के बारे में. सीरियसली बोलो मेरा फेवरेट ब्रांड आई डोंट थिंक सो कोई है, बस ऐसे रैंडम नाम लिख देती हूँ जिनके मुझे पता है. सॉरी गाइज मुझे रिचार्जिंग पे लगाना पड़ेगा. मैं इसको पूरा डेड वाइब्स दे रही हूँ कि मेरी साइड से पहले मुझे दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ क्या है तुम्हारे पास. व्हाट यू वांट, प्रूफ मी बिच, हाउ मच टू स्पेंड टू गेट यू. ही इज अ फक बॉय. He said he spent 2 to 3 lakh rupees per day on a baby. I'm so confused. क्या मुझे इससे मिलना चाहिए, क्या मुझे इससे फोन पे बात करनी चाहिए. उसने पूछा, उसने काफी बार बोला कॉल कॉल कॉल, यानी कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ यार कॉल, उससे नहीं हो पा रही. यार मैं सीरियसली नितिन के अलावा किसी लड़के से बात नहीं, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं पर इस तरह से किसी और लड़के से बात नहीं की है. एंड मैंने उसको बोला मेरा बॉयफ्रेंड है. इट्स नॉट ईजी आई नो, तुम्हें लग रहा होगा बहुत मजा आ रहा है, तब को मजा नहीं आ रहा. सो मैं आज इस बंदे से कॉल पे बात करने वाली हूँ. बाय द वे इस बंदे ने मुझे कॉल किया था रात में, मैंने उठाया नहीं था क्योंकि मैं ऐसे किसी से बात नहीं कर पाती. लेट्स सी कि मैं बात कर पाऊँ और मेरा कैमरा ना डेड हो. मैं इससे आज कॉल पे बात करने वाली हूँ, मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है.
अभी उन्होंने ये गाय मुझे शुगर डैडी कम इंटरनेट फक बॉय ज्यादा लग रहा है. या हाय, लेट मी आस्क यू स्ट्रेट, व्हाई यू वांट टू बी माय शुगर डैडी? यू आर फकिंग हॉट. द पर्सन यू इज दैट अकॉर्डिंग टू मी. कि कितनी शुगर बेबीज रही है? बताया तो मैंने, सी मेरा ज्यादा ऐसा कोई लंबा चौड़ा सीन नहीं है कि मेरी रही है. तो अभी फैसिनेट हुए हो? हाँ, एक्चुअली कि लव में हमेशा आपको हार्ट ब्रेक ही मिलता है. हमारे अकॉर्डिंग शुगर डैडी शुगर बेबी का रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि तुम्हारी तो रही है? बिकॉज देखो, शुगर डैडी और शुगर बेबी का सीन ये होता है, द थिंग इज दैट कि जब इफ अ शुगर बेबी सेज समथिंग एंड शी नीड्स बट कैन ट्रस्ट अ वन पर्सन दैट, या किसी जैसे एक फ्रेंड होता है एनी टाइम खड़ा होता है तुम्हारे साथ कि इफ यू से दिस वर्ड देन यू विल गेट दैट थिंग. द थिंग इज दैट ओके, शुगर बेबी लाइफ में मैं ऐसे तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट द थिंग इज दैट कि हां, आई बॉट अ फ्लैट इन गोरखपुर गुड़गांव. की सारे जो एक्सपेंसेस होते थे उसके, बाइंग शूज एंड ऑल, बहुत सारी चीज, मतलब एक तरह से यू कैन, शुगर डैडी का मतलब क्या है, डैडी दैट कैन पे द बिल. ओके, और बदले में डैडी को क्या चाहिए? डैडी ओनली नीड्स फॉर. मैं लोगों की बातों पे यकीन नहीं करती यार. तो फिर ऑब्वियस ही बात है, मिलकर यकीन कर लो, फिर और क्या बोलना. ना, मैं इतनी जल्दी लोगों से मिलती भी नहीं हूँ. अब मेरी यूपीआई आईडी सर्च करना स्टार्ट कर दो, कहाँ पे मिलती है, कहाँ मिलना है, कौन सी, जितनी भी तुम्हें पता है, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव जगह वहाँ पे बैठ के जो बोलनी है, जो बात करनी है, करो. वाओ, तुमने कैसे कंक्लूजन निकाले वीक और मंथ. या मैंने नॉर्मली पूछा, वीक और इन अ मंथ. I didn't say yes to you. यार अब yes भी बोल दो, इतना भी ठीक है, होता है, पर इतना भी नहीं होता. तो पहले जानना चाहोगे या डायरेक्ट मीटअप करना चाहोगे? Maybe मैं दोनों ही ना करना चाहूँ. You said me one thing कि तुम कितना स्पेंड करोगे कि मैं तुम्हें मिल जाऊँ. You said something like that, I guess. Yeah. So, मैंने तो आपको फिर उसके बाद आपने मेरे से ये भी पूछा था कि how much you can afford a baby, वो sugar baby or something like this. ठीक है, I said per meet I can be like 2-3 lakhs. Do you think इतना enough होता है किसी के लिए? यार enough तो नहीं होता. जब ही मैंने आपसे बोला, आपने मेरे से पूछा कि how much you can. Yeah. बाकी वो तुम्हारी डिमांड के ऊपर. Okay. ये चीज है, ये नहीं है कि नहीं, I'll stick to this only. अब obviously बात है, तुम्हारा बजट है 10,000 का. Okay. तुम्हें पसंद आ रही है 30,000 की चीज. Okay. तो ऑब्वियसली बात है कि तुम स्विच ऑन करोगे ना 13 की तरफ, जरूरी नहीं कि 10 पे ही रहोगे. ओके, सो आप सुन चुके हो मेरी और शुगर डैडी की बातें. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वीडियो का जब तक मुझे आइडिया नहीं आया था, मैं पर्सन से बात करने का सोचा भी नहीं था उससे पहले. जब ही इज कॉन्स्टेंटली सेइंग डू यू नीड शुगर डैडी, डू यू नीड शुगर डैडी, तो मैंने अपने इसको यूपीआई आईडी दी थी कि लेट्स चेक कि कुछ आता भी है वहां से, नहीं आता. अगर आता तो मैं रिटर्न कर देती. बाय द वे, कुछ नहीं आया. ये जस्ट वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि क्या है ये शुगर डैडी और लोग इतने फैसिनेट क्यों हैं. ही इज नॉट ओल्डर बाय द वे, ही इज जस्ट 26. उनकी कोई पास्ट में रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी जिस वजह से अब उन्हें रिलेशनशिप और प्यार व्यार में भरोसा नहीं रहा है. इस वजह से वो शुगर डैडी स्टफ में इंटू हैं. सो या दैट्स ऑल. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शुगर डैडी स्टफ और ना ही मुझे कोई शुगर डैडी चाहिए. इस वीडियो में मैं बस जानना चाहती थी कि वाई दिस गाय इज सो इंटरेस्टेड इन मी, जो कि उन्होंने बता दिया है वाई ही इज, एंड ही स्टिल वॉन्ट मी टू बी. सो मैंने मना कर दिया. आपके ऊपर कोई 2-3 लाख रुपए एक दिन में खर्च करने के लिए तैयार है? कुछ भी. So that's it for this video. Milenge next video mein, tab tak liye bye bye, take care. Okay guys, I just want to update some things. I don't know he's a sugar daddy or not, but be safe, be alert, savdhan raho, satark raho.